नाम है इज़ार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई एम ट्रैवलर। तो इस टाइम पे जो मैं आया हुआ हूँ एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है और जिसके बारे में लोगों ने मुझे रिकमेंड किया है कि इस पे जाके यहाँ पर जाइए आप। काफ़ी अच्छा यूनिक भी है और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट भी है, लोगों ने रिकमेंड किया। तो आज हम आ गए हैं इस टाइम पे रेड फ्लेम रेस्टोरेंट जो कि लोनी 2 नंबर इंदिरापुरी में मतलब सिचुएटेड है। तो गाइस पहुँच गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं क्या टेस्ट है, जैसा लोग तारीफ कर रहे हैं वैसा है कुछ या नहीं है, तो जानेंगे यहाँ पर। चलिए मेरे साथ। ये है एंट्रेंस। अभिषेक भाई जो कि ऑनर है इस रेस्टोरेंट के, तो मैंने बड़ी मुश्किल से भैया से बोला, मैंने कहा मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला। अभिषेक भैया ये मतलब बहुत से रेस्टोरेंट है, रेड फ्लेम नाम अभी तक मैंने नहीं देखा, क्या ऐसा स्पेसिफिक नेम आपने रेड फ्लेम रखा? रेड फ्लेम क्या है ना, रेड फ्लेम का जो मैं नाम सोच के रखा लाल ज्वाला, लाल जो कि मेरे को बहुत यूनिक नेम लगा, जिसकी वजह से हमने बहुत हमने अपना लाइटनिंग थोड़ी रेड कराई है और क्या नाम है, हमने बहुत अच्छा थीम बेस नाम रखा, थीम बेस नाम है रेड फायर के, हमने अपना इंटीरियर थोड़ा रेड फ्रेम, रेड फ्रेम जो बनाया हमने वो रेड फ्लेम कर दिया। फिर हमने अभी तक इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम है। तो अचानक से क्या आइडिया आया कि एक रेस्टोरेंट मुझे खोलना है? रेस्टोरेंट का मन काफ़ी पुराना थॉट था कि रेस्टोरेंट बनाना है, ड्रीम भी था कि रेस्टोरेंट बनाना है। अच्छा, जो कि हमारे बड़े भाई मनीष बंसल जी हैं। अच्छा अच्छा। और अभिषेक महावीर जी हैं, उनके तरीके से उनके थ्रू। अच्छा, डेकोरेशन के लिए आपने कोई बंदा बाहर से बनाया था या मतलब कैसे किया? नहीं, कुछ चीज़ें हमारी खुद की हैं, इसमें खुद हमारी खुद की माइंड की क्रिएटिविटी है। बाकी हमने आर्किटेक्ट हैरी सर थे हमारे, उनके थ्रू यहाँ पर कस्टमर क्या ऑर्डर करते हैं? सर मेरे को पहले देखने को मिल रहा है सब तंदूरी का आइटम हमारा बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा तंदूरी आइटम सारा चल रहा है, पनीर टिक्का। तो क्या प्रेफर करेंगे आप, क्या चाहेंगे कि क्या टेस्ट करके बताएं आपको? आप मलाई पनीर टिक्का खाइए हमारा। मलाई पनीर टिक्का, ठीक है। क्या बना रहे भैया? ये फ्रूट बियर मॉकटेल। सॉरी, फ्रूट बियर। अच्छा, फ्रूट बियर मॉकटेल है। मजीतो में। मजीतो। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम सद्दाम हुसैन। सद्दाम भाई, तो कितना टाइम हो गया यहाँ पर आते हुए? अभी तो मेरे ख्याल से भी कुछ ही टाइम आया। फर्स्ट टाइम आए हो? फर्स्ट टाइम। कैसा लगा टेस्ट यहाँ का? सही है, ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक है टेस्ट? हाँ। क्या खाया फिर आपने? मैंने चाउमीन खाई थी, वेज चाउमीन। वेज चाउमीन, अच्छा लगा था? हाँ सही लगा। पसंद आया तुम्हें मतलब? हाँ जी, वेज चाउमीन। तो फिर दोबारा आना पसंद करोगे यहाँ पे? दोबारा आ जाएंगे, सेटिंग शूटिंग मिलेगा। और डेकोरेशन कैसा है यहाँ का? ठीक ठाक ही है। ये है आउटसाइड एरिया,
आउटसाइड एरिया में ये जो है इन्होंने बनाया हुआ है रूफ टॉप, काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है। एक और कस्टमर है इस टाइम हमारे साथ जो इन्होंने अभी अभी मलाई चाप ट्राई किया, क्या नाम भाई का? मेरा नाम है मोहित सिंह। मोहित सिंह भाई, तो मलाई चाप ही क्यों, मतलब यार मलाई चाप तो बहुत जगह मिल जाती है। मलाई चाप मिल जाती है, एक्चुअली मैं एक बार पहले टेस्ट करके गया था, उसके बाद मैंने पूरी फैमिली को खिलाया है, अपने दोस्तों को खिलाया, अरे यहाँ का स्वाद है ना मलाई चाप, अरे ऐसा ऑल ओवर इंडिया में देखने को नहीं मिला। अरे क्या बात है भाई, मतलब जो है ज्यादा पसंद आ गया मलाई चाप। मलाई चाप खा के हमने अपना पेट मोटा कर लिया जी भाई। मलाई चाप भैया यहाँ की रेड फ्लेम की जरूर चेक करना, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा भाई की तरफ से रिकमेंडेड है कि भाई मलाई चाप जो है फैमिली को खिला दी, इन्होंने इतना पसंद आई है। अच्छा तो अभी जो है ना, मतलब कितना टाइम से, ज्यादा टाइम तो वैसे भी हुआ नहीं, अभी स्टार्टअप ही है, करीब 15 डेज हो चुके हैं। 15 डेज में आप खा गए, आपकी फैमिली को लेके आ गए, और मेरे ख्याल से थर्ड टाइम है आप पड़ोसी को लेके, बल्कि मैं पड़ोसी को भी लेके, पड़ोसी लेके, बल्कि हमारे आज बच्चे भी आ गए हैं। अरे वाह भाई, बच्चे भी साथ में आए हुए हैं, बच्चों को भी बुला लीजिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चे भाई, पूरी फैमिली आ रही है। छोड़ छोड़ मैं नहीं, कहने का मतलब है कि जो टेस्ट करके जा रहा है बिल्कुल वो रिटर्न जरूर आ, रिटर्न जरूर आता है, रिटर्न जरूर आ रहा है। तो भाई रिव्यू हमारा ये रह रहा है कि भाई कस्टमर, हमने भी 2-3 कस्टमर से बात की है और सभी टेस्ट बहुत अच्छा बता रहे हैं। रेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जब भी डेकोरेट को देख के, यार एक रेस्टोरेंट है बड़ा है, रेट्रो है, तो कैसे रेट के बारे में क्या? रेटिंग 5 में से 5 रेटिंग है खाने को भी, और हमारे इनके आगे बेस्ट परफॉर्मर भाई यही सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपने गेस्ट का, और यही इनके लिए सबसे ज़्यादा तारीफ की गई है, सबसे ज़्यादा जो है ना गेस्ट को अटेंड करना और सबसे बढ़िया सर्विस देना यही भाई देते हैं। क्या भाई, नाम का, नाम क्या है भाई का? आसिफ। आसिफ भाई, चलिए आसिफ भाई, तो दोस्तों अब हम लोग जाने वाले हैं किचन देखने वाले हैं भाई, तो किचन जा सकते हैं हम लोग? हाँ जी बिल्कुल सर, तो किचन हम लोग चेक करने वाले हैं और देखते हैं कि किचन में भैया कैसे बन रहा है खाना, और हमारे शेफ से भी 2-4 बातें करेंगे, तो किचन टीम के पास चलते हैं। चलिए चलिए, हेलो गाइस, आ चुके हैं इस टाइम हम लोग किचन में, और किचन में क्या बनने वाला है भाई? ये सिंगापुरी? अरे वाह, और ये ऑयल वगैरह किस लिए? वैसे अपने पास सारे भैया नॉन वेज भी होता है कि वेज की सारे आइटम? सिर्फ प्योर वेज रेस्टोरेंट, प्योर वेज रेस्टोरेंट है जी, बिल्कुल प्योर वेज रेस्टोरेंट है, चाइनीज क्वांटिटी और नॉर्थ इंडियन। ओके, तो भाई ये पड़ा हुआ है सारा वेज रोल्स वगैरह मोमोज, यार देख रहे हो, एक चीज़ देखने में है कि यार किचन की ना सफाई कितनी ज़बरदस्त हो रखी है, यहाँ पर आप सारे आइटम्स देख सकते हो, और प्लस ये देखो ये सारा का सारा स्टाफ है, सब वेल बियर्ड हैं, अपने सर सब में हैट वगैरह लगाई हुई है, ज़बरदस्त है। तो क्या बनने जा रहा है इसमें? वाइट सॉस पास्ता बनने वाला है। अरे वाह, वाइट सॉस पास्ता, चलिए इसको भी। बटर एंड गार्लिक, बटर एंड गार्लिक, ओके, इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। ठीक है, तो ये हैं हमारे शेफ जो वाइट पास्ता बनाने वाले हैं। ओके, अच्छा, एक साइड ये है ना हमारे वाइट पास्ता बन रहा है, दूसरी साइड ये सिंगापुरी चाउमीन तैयार हो रही है। क्या बात है, ये क्या डाल दिया अभी? वाइट सॉस, वाइट सॉस, ये पास्ता स्टार्ट हो गया डालना, वही किचन में काम जोरों से चल रहा है, यहाँ से मसाला लेना स्टार्ट कर दिया। क्या बात है, हम डालेंगे क्रीम, डाल दिया खूब सारी क्रीम, क्या बात है। चलो जी, वाइट पास्ता हो गया तैयार और सर्व करने के लिए रेडी। तो गाइस हमारा आइटम आ चुका है इस टाइम में, पनीर मलाई टिक्का और इनके रेड फ्लेम मोमोज, बहुत ज़्यादा मतलब बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही लोग पसंद कर रहे हैं, और रुमाली रोटी है, प्लस वर्जिन मोहितो है, ये सारी चीज़ें जो है हम ट्राई करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं, और
टेस्ट करने के बाद बताता हूँ कैसा है टेस्ट, क्योंकि डेकोरेशन जो इनका जो है ना वो बहुत अच्छा है और प्राइस भी काफ़ी जो है रीजनेबल है। लेकिन अब टेस्ट जानेंगे क्योंकि हमने जो कस्टमर से रिव्यू लिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अब देखते हैं इस ज़बान से रिव्यू लेके देखते हैं कि कैसे देती है ये ज़बान रिव्यू, कैसा है यहाँ का टेस्ट बताते हैं बस आपको चेक करने के बाद। देखते हैं कि मोमोज जो है काफ़ी बड़े हैं और चेक करके देखते हैं सॉस में डिफरेंट। पूरा फील है मोमो पनीर के साथ में, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इन्होंने जो मसाला लगा हुआ है और साथ में जो इनकी जो सॉस है ना वो बहुत गजब है। सच बताऊं तो ऐसे पनीर के मोमोज ना लास्ट मैंने चाणक्यपुरी में खाए थे और बिल्कुल बिल्कुल वही वाइब आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। मोमोज बहुत अच्छे हैं। अब बारी आती है हमारे पनीर टिक्का की, वो भी चेक करते हैं। ये है पनीर टिक्का, इसे चेक करते हैं। पनीर मलाई टिक्का ग्रीन सॉस के साथ ले लेते हैं। फुल क्रीमी एक्यूरेट मसाले और साथ में जो इनकी जो चटनी है ना ये भी बहुत ज़बरदस्त है, चटनी भी अच्छी है। अगर आप साथ में चटनी के साथ प्याज भी खा लेते हैं इनकी तो भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आने वाला है आपको। वाकई में मैं पनीर टिक्के की बात करूँ ना, ये मलाई पनीर टिक्का सीरियसली मज़ा आ गया। मोमोज भी अच्छे हैं इनके। अब ज़रा एक छोटा सा निवाला जो है हम रुमाली रोटी के साथ ले गए हैं। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो या बहुत ज़्यादा ही क्रीमी हो, सारी चीज़ें एक्यूरेट हैं, मज़ेदार है। और इसके बाद जो हमारा जो भी आने वाला है मलाई टिक्का इसको भी हम टेस्ट करेंगे। वही पनीर मलाई टिक्का चाप, ये मैं चाप का निवारण ले रहा हूँ और मोमोज लाजवाब तीनों चीज़ें। पर्सनली मैं रिकमेंडेड करूँगा आपको एक बार रेड फिल्म ज़रूर आए, आपको ट्राई करें। रीजनेबल प्राइस में आपको इनक्रेडिबल टेस्ट मिलने वाला है। इसका एड्रेस मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और लोकेशन भी दे दूंगा, आप लोग आके ज़रूर ट्राई करें एक बार रेड फिल्म रेस्टोरेंट।